हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं मिरर मोज़ेक आर्ट, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम इस तरीके के छोटे पॉट पर आज करने वाले हैं मिरर मोज़ेक आर्ट। तो मैं पहली बार ये मिरर मोज़ेक आर्ट कर रही हूँ, तो मैं इस छोटे से पॉट पर करूँगी। ये मैंने स्मॉल बिजनेस से ख़रीदा है, तो आप भी इस तरीके की स्मॉल बिजनेस से शॉपिंग ज़रूर किया कीजिए। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले इस पॉट को धो लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी धूल लगी थी, तो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे अच्छे से सूखा लिया है। और सूखने के बाद मैं इसमें थोड़े से लाइंस क्रिएट कर रही हूँ, ताकि मुझे जो है मिरर लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अपने जो पॉट है उसको डिवाइड कर लिया है 8 पार्ट में बॉटम को देखते हुए। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर मिरर लगाऊंगी। मेरा पॉट काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने छोटे साइज़ का मिरर यूज़ किया है। अगर आपका पॉट थोड़ा बड़ा है तो आप उसके ऊपर बड़े साइज़ का भी मिरर लगा सकते हो, वो इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक सेंटर में राउंड शेप का मिरर लगा के अब साइड में मैं 8 पेटल्स दूंगी, और वो पेटल होगा ड्रॉप शेप का मिरर से। इस तरीके से हमें फेविकॉल की मदद से अपना डिज़ाइन सेट करते जाना है। मिरर लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप फेविकॉल यूज़ कर रहे हो तो फेविकॉल को थोड़ी देर तक सूखने देना, और जैसे हल्का सा सूखे उसके बाद अपना मिरर जो है वो आप इजीली सेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस तरीके से तुरंत लगाओगे ग्लू लगाने के बाद, तो मिरर आपको जो है इधर उधर खिसक जाएगा। बट कोई बात नहीं है, थोड़ा सूखने के बाद मिरर सेट हो जाएगा, डोंट वरी। आप चाहो तो कोई अच्छा सा ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो थोड़ा स्टिकी अच्छा हो उसका, तो आपको वो मिरर ज़्यादा अच्छे से चिपका देगा। अब देखिए मिरर का जो है इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मिरर को सेट कर लूँगी अच्छे से। अब मैं यहाँ पे एक अल्टरनेट फ्लावर मैंने बनाया है, और सेंटर में एक और स्पेस छोड़ा था। अब यहाँ पे जो है मैं लीफ शेप का जो मिरर यूज़ करके एक फ्लावर बनाऊँगी। तो एक मेरा जो हो जाएगा वो एक लीफ शेप का हो जाएगा, और एक हो जाएगा मेरे ड्रॉप शेप का फ्लावर। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्पोजिशन बनेगा। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी अपना डिज़ाइन रख सकते हो, आपका कॉम्पोजिशन आप बना सकते हो खुद की मर्ज़ी से। अगर आपके पास ये इस टाइप के मिरर अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास जो मिरर है अवेलेबल आप उसी से अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आप चाहोगे तो मैं इस ये मिरर मैंने कहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर किया है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप भी ये मिरर वहाँ से ऑर्डर कर सके और अपना मोज़ेक आर्ट बना सके। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना डिज़ाइन अच्छे से सेट कर लिया है और इसे सूखने दिया है। अपना डिज़ाइन जो है वो मैं थोड़ा और अच्छा करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जो खाली स्पेस है उसको मैं अलग शेप के मिरर से फिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ट्रायंगुलर शेप का मिरर, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़े साइज का जो है मिरर लगाया है, और कुछ मिरर मैंने और ऐड कर लिया है, और इसे अच्छे से सूखने दिया है ग्लू को। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ वॉल पुट्टी, ये मैंने 8 चम्मच लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, और पानी को मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी, ताकि जो है हमें कंसिस्टेंसी जो है वो पता चल सके। अगर हम अचानक से ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें किस कंसिस्टेंसी का जो है पेस्ट रेडी करना है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। अब इसमें मैंने थोड़ा ऐड किया है रेड एक्रेलिक पेंट, कलर आपके अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर चूज़ कर सकते हो। अब मैंने अच्छे से जो है पेस्ट को चम्मच की मदद से सारे लंप्स हटाकर मैं अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बनाकर पेस्ट रेडी कर ले रही हूँ। अब देखिए इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ये बिल्कुल भी मतलब गिरना नहीं चाहिए। मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब हम करते हैं अपने पॉट के ऊपर। अब मैं इस पर रख रही हूँ इसको इस तरीके से पेस्ट को, और पेस्ट को रखने के बाद जो है मैं अपने फिंगर से ही इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, और स्प्रेड करते हुए मैं अब सारे गैप्स जितने भी हैं उसको फिल कर रही हूँ। तो हमें जितने भी मिरर के बाद जितना स्पेस बचता है ना, हमें उसे गैप को फिल करना है। तो आप अपने फिंगर की मदद से स्पेस को अच्छे से फिल करते जाना। पूरे पॉट को हमें इसी तरीके से इस पेस्ट से रेडी करना है। अगर बाद में आपको सेकंड कोट भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सेकंड कोट भी कर सकते हो,
ताकि आपका जो बेस है वो एकदम इवन सा लगे, अनइवन कहीं ना दिखे, कहीं पे गैप्स और कहीं पे गड्ढे ऐसे ना दिखे इसके लिए। और एंड में आप एक और काम कर सकते हो, जब अच्छे से ये बेस पूरा लग जाए तो हल्के से ना अपने उंगली पे थोड़ा सा पानी लेकर भी इसे अच्छे से चिकना कर सकते हो। तो देखिए हमारा जो पेस्ट था वो काफ़ी अच्छे से सूख चुका है। अब इस पे हम जो है मिरर से हटाएंगे इस पेस्ट को। तो मैंने ये शार्प टाइप का टूल लिया है, ये नाइफ का, और अब इसकी मदद से मैं जो है मिरर के ऊपर से जो है पेस्ट हटा रही हूँ इस तरीके से खरोच कर। बहुत ही आसानी से ये हट जाएगा, आपके डिज़ाइन जो है वो अच्छे से दिखने लग जाएगी। तो आप आराम से इसे खरोच कर हटा लो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस हमारे चैनल पे आपको हर वीक दो वीडियो ज़रूर मिलती है, और दिवाली का सीरीज़ भी आपको जल्दी हमारे चैनल पे मिलने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब इस तरीके से जब हमें हटाना है, अपने फिंगर से ही हमें साफ करना है इसे, या फिर आप कोई फैब्रिक का क्लोथ भी ले सकते हो और फैब्रिक क्लोथ लेकर आप उसे जो है साफ कर सकते हो। अपने मिरर के ऊपर से जो है जो पुट्टी हल्का सा लग गया है वो हटा सकते हो और इसे क्लीन कर सकते हो मिरर को। तो देखो क्लीन करने के बाद मैंने इसे सुखा लिया था, और सूखने के बाद ये पॉट कुछ इस तरीके से बन के आया है। ये पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा है, बट वीडियो से ज़्यादा खूबसूरत ये सामने से लग रहा है। तो ऐसे पॉट्स आप अपने घर पे बहुत आसानी से बना सकते हो, बहुत ही आसान है, तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा, आपको लगा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में अपने सवाल और सुझाव भी आप लिख सकते हो। आपको इस चैनल पे ऐसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।